नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शोभा, बिहार में सिवान जिले से। मेरे चैनल में आप सभी के स्वागत। मेरे चैनल के नाम है शोभा की रसोई। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने किचन में। आज मैं क्या बनाऊंगी? आज मैं बनाऊंगी तवा लिट्टी। तवा लिट्टी बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिए हैं 1 kg गेहूं का आटा। यहाँ पर लिए हैं चने का सत्तुआ, हमने सत्तू ले लिए हैं 250 ग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम आटे को गूंथ लेते हैं। आटे में गेहूं के आटा लिए हैं, इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। पानी डाल करके गूंथ लें एकदम सादा, कुछ नमक वमक या अजवाइन उजवाइन कुछ नहीं डालेंगे, इसे ही सानेंगे। तो हमारे वीडियो को आप लोग लास्ट देखते रहिएगा। हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ढेर सारा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने आटे को गूंथ लिए हैं। बहुत सुंदर आटे हमने गूंथ कर तैयार किए हैं। तो इसे हम रख देते हैं सेट होने के लिए। तब तक लेकिन अपने सत्तू को तैयार कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सत्तू में डालने के लिए हमने यहाँ पे सारे सामान को तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमने 2 बारीक कटा हुआ प्याज ले लिए हैं, 1 चम्मच सरसों तेल लिए हैं। हमने यहाँ पे लहसुन को काट कर रख लिए हैं। यहाँ पर अदरक को हमने काट कर छील कर रख लिए हैं। यहाँ पे हमने हरी मिर्च को काट लिए बारीक बारीक। यहाँ पे हमने आम के अचार रखे हैं, हम पहले बनाकर रखे हैं पहले से। तो यहाँ पे हमने नींबू के रस को निचोड़ लिए हैं। यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक लिए हैं, यहाँ पे अजवाइन लिए हैं। तो हम सारी चीज को मिला करके हम मिक्स कर लेते हैं सत्तू को, अपने मिला ले बना लेते हैं सत्तू। तो देखिए दोस्तों, हमने सत्तू में सारे चीज मिला लिए हैं, जितना सामान हम तैयार किए सत्तू में डालने के लिए। तो हम सभी चीज को डाल लिए। आम को अचार को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके डाल लिए। यहाँ पे हमने अदरक को कूट लिए हैं। तो अदरक सत्तू में जब लिट्टी बनाए तो सत्तू में कूट कर अदरक डालिएगा, बहुत इससे टेस्ट आता है कूट के डालने से। तो हम कूट कर डाले हैं अदरक को। अब हम सभी चीजों को मिला लिए हैं। थोड़ी सी इसमें हल्के से पानी डालेंगे, पहले हाथ से पूरा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके मिला लेंगे हल्के से, उसके बाद थोड़ी सी पानी डाल करके इसे हम बनाएंगे। ज्यादा हमें ढील नहीं बनाना है, थोड़ा इधर भरा ही रखना है। तो बहुत टेस्टी हमने बनाएंगे ये तवा लिट्टी, सादा तवा लिट्टी हम बनाएंगे। तो हमारे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। देखिए दोस्तों, हमने सत्तू को बना करके तैयार कर लिए हैं। तो अब चलिए दोस्तों, चलते हैं अब तवा लिट्टी बनाने के शुरू करते हैं। देखिए कितना सुंदर हमने सत्तू बनाए हैं। जब भी आप लोग बनाए तो इसी तरह का सत्तू बनाए, बहुत सुंदर टेस्टी हम सत्तू बनाए। ये हमारा बिहारी खाना है, बहुत लोग बिहार, हम लोग बिहार से, तो बहुत हम लोग का पसंद आता है। हमारे घर परिवार सभी लोग बहुत तवा लिट्टी, सादा तवा लिट्टी बहुत खाते हैं। चोखा मीट के साथ, चिकन के साथ खाइएगा, बहुत टेस्टिंग लगता है ये तवा लिट्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने आटे को लोई बना लिए हैं, 5-6 बना लिए हैं। तो अब हम सत्तू इसमें भरेंगे कटोरी जैसा बना बना करके। हमने ऐसे करके कटोरी बना लेते हैं। अब इसी में भरेंगे सत्तू। देखिए दोस्तों, इसी तरह हम भर लेंगे, सारे लोइयों में भर लेंगे ऐसे ऐसे, अंदर इसे बढ़िया से सेट कर देंगे। देखिए अंदर हमारा ये सत्तू इसमें अंदर सेट हो गया है। देखिए कितना सुंदर हम बना ले। इसी तरह हम सारी लोइयों में भर लेते हैं सत्तू को। लिट्टी को एक चौकी पर थोड़ा थोड़ा हमें हाथों के सहारे थोड़ा थोड़ा हम बढ़ा लेंगे, ज्यादा हमें नहीं बनाना है।
थोड़ा मीडियम साइज बनाना है, तो हम इसी तरह के बना लेंगे चारों लिट्टी को इस साइड का। तवा गर्म हो चुका है, तवा पर हमने थोड़ी सी लगा लेते हैं रिफाइन वाय ताकि हमारा लिट्टी चिपके ना। चारों तरफ हम मिला लेते हैं। से लगाने रही हूँ तो अट्ठा से बहुत सुंदर मिल जाता है तवा पर तेल। तो हम लिट्टी को डाल रही हूँ तवे पर, तवा लिट्टी हम बनाएंगे तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत सुंदर ये हमारा तवा लिट्टी बनकर तैयार होगा। हमें जल्दी जल्दी ये पलटना है नहीं तो जल जाएगा एक साइड का, तो अच्छा लिट्टी नहीं होगा। इसी तरह करके हम पका लेंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमारा तवा लिट्टी कितना सुंदर फूल रहा है। तो ऐसे ऐसे करके हम इसको हम पका लेंगे, खड़ा कर करके साइड में पका लेंगे ताकि हमारा ये लिट्टी कच्चा ना रहे। तो देखिए कितना सुंदर ये हमारा तवा लिट्टी बनकर तैयार हुआ है। दोनों हाथ से ऐसे ऐसे करके नचा देंगे। ये किनारे वाला जो आटा है ना वो पक जाएगा अच्छा से। अब इसे हम निकाल लेंगे, पक चुका है, देखिए कितना सुंदर। तो देखिए दोस्तों हमने सारी लिट्टी को बना लिए, तवा लिट्टी कितना सुंदर हमने बनाया है सादा, इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है, बहुत टेस्टिंग बनाया है हमने सादा लिट्टी तवा पर बनाया है तो बहुत टेस्टिंग बनाया। तो अब हम इसे खाने के लिए परोस लेते हैं। चिकन और लिट्टी बनाए हैं तवा पर के लिट्टी, बहुत टेस्टिंग। तो देखिए दोस्तों हमने ये लिट्टी बनाए हैं तवा लिट्टी, ये चिकन बहुत सुंदर हमने बनाए हैं, तो बिहारी खाना है, बहुत टेस्टिंग बनाए हैं हमने। तो हमारी वीडियो को आप लोग हम पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, ढेर सारा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।